परिवहन विभाग में अब दिल्ली परिवहन पदाधिकारी यानी DTO का पद पाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने इसकी सिफारिश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से की है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से मैकेनिकल इंजीनियर ही DTO बन सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्तमान में कार्य DTO को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश में कहा गया है कि टेक्निकल DTO और MVI होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सड़क निर्माण में गड़बड़ी से हादसे बढ़ रहे हैं, यदि इंजीनियर DTO होंगे तो दुर्घटना वाले स्थान की जांच कर उसे बचाने के उपाय ढूंढेंगे। राज्य में ब्लैक स्पॉट के निर्धारण में राज्य व केंद्रीय मापदंड में काफी अंतर है। इंजीनियर DTO होने से वे प्रोफेशनल तरीके से इसे कम कर सकेंगे। DL रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, स्पीड गवर्नर, परमिट समेत अन्य सभी प्रकार के कार की तकनीकी जानकारी होने के भी काफी फायदे मिलेंगे। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी बिहार आई थी। कमेटी को मुजफ्फरनगर, पटना, भागलपुर समेत कई स्थानों पर 15 दिनों तक भ्रमण करने के बाद कई खामियां मिली थी। राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित इस कमेटी ने सड़कों में गड़बड़ी के कारण हो रहे हादसे को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट पर भी सवाल उठाया था। कमेटी के बिहार दौरे के बाद यहां केवल 2 का 10 ट्रामा सेंटर खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य में दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं ब्लैक स्पॉट के निर्धारण में राज्य व केंद्रीय मापदंड में काफी अंतर है।